आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी और आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, एक वीडियो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इलाहाबाद दौरे से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 27 जुलाई को इलाहाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्हें कुंभ के मेले के सिलसिले में कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी और 2019 के चुनाव की शुरुआत करने के लिए कुछ साधु संतों से भी मुलाकात करनी थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी इस बार 2019 के चुनाव की शुरुआत इलाहाबाद से करना चाहती है, लेकिन अमित शाह का दौरा इतना सुकून भरा रहा नहीं, क्योंकि वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने अमित शाह के दौरे के दौरान उनकी गाड़ियों के आगे आकर के काले झंडे दिखा करके प्रदर्शन किया। क्यों था ये प्रदर्शन, कौन थे ये लोग प्रदर्शन करने वाले, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप उससे पहले देखिए वीडियो जिसमें वो विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। तो देख रहे थे आप ये वीडियो जिसमें एक लड़की वाइट सूट पहने हुए, वाइट दुपट्टा शलवार पहने हुए विरोध करता प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, काला झंडा इसके हाथ में है। साथ में एक और लड़की है जो पिंक कलर का सूट और ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए, और साथ में एक लड़का है जो पिंक कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए। ये तीनों लोगों का ताल्लुक, जो एनडीटीवी ने जो खबर छापी है उसके मुताबिक इन तीनों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग से है। जो लड़की वाइट सूट में दिखाई दे रही है वो लड़की है नेहा यादव, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD कर रही है, और जो दूसरी लड़की है उसका नाम है रमा यादव, वो मास्टर्स की डिग्री कर रही है, और जो लड़का वहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका नाम है किशन मौर्य। इन तीनों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग से है। हालांकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर पुरुष जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लोग किस तरह से एक महिला को खदेड़ करके ले जाते हैं, उसे डंडा मारते हैं, उसके बाल खींचते हैं, उसके बाद उसे पुलिस वैन में अंदर डाल देते हैं। क्या ये बर्ताव इस तरह का होना चाहिए, जबकि कानून के मुताबिक अगर कोई भी महिला का कोई मामला आता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार महिला पुलिस अधिकारी को होता है। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी की जो लीडर हैं इलाहाबाद की, ऋचा सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से किसी को आप प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते, और जो बर्ताव महिलाओं के साथ हुआ, मतलब उन लड़कियों के साथ हुआ है, वो कानून के खिलाफ है, और कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह से किसी महिला का उत्पीड़न या शोषण नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है, सवाल है विचारधाराओं का। एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और दूसरी विचारधारा है बीजेपी की, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या वाकई में पुलिस को इस तरह करना चाहिए? अगर कोई प्रदर्शन करता है तो क्या प्रदर्शन के दौरान जो है इस तरह के व्यवहार पुलिस को करना चाहिए? क्या इस तरह से किसी महिला को डंडे मारने चाहिए, या फिर एक सुकून का तरीका भी अपनाया जा सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर हमें ज़रूर दें कि क्या वाकई में यही तरीका पुलिस को अपनाना चाहिए, या कोई और भी तरीका पुलिस इस मामले में अपना सकती थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।